हेलो दोस्तों, तो शिवरात्रि आने वाली है, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए एक शिव जी की मूर्ति बना के दिखलाते हैं आप लोगों को। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से सीख सकते हैं आप। बनाने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आप लोग देखते रहिए हमारा वीडियो और सीखते रहिए। अब इनके नोज को बना रहे हैं कुछ इस प्रकार से, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से अब नोज को बना रहे हैं। आप लोगों को शुरू में तो देखने में मज़ा आएगा नहीं, इसलिए जब तक पूरा फुल वीडियो लास्ट तक देखेंगे नहीं तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और अच्छा नहीं लगेंगे। इसलिए आप लोग पूरा फुल वीडियो देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा और अच्छा लगेंगे। इस शिवरात्रि के शुभ अवसर पे हमने जो शिव जी की मूर्ति बना रहे हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं और इनको बाल को बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। बाल को बनाने से पहले माथे पे इनको मिट्टी देंगे, मिट्टी देके उसके बाद थोड़ा इनके फिनिशिंग कर लेते हैं। अगर हमें बनाने में थोड़ा सा गलती भी हो जाए तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। अगर आप लोगों के कुछ और डिजाइन के मूर्ति चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उसी टाइप का मूर्ति बनाऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से हम आँख को बना रहे हैं, अब इनको मुंह को बना रहे हैं कैसे, आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि कैसे हम बना रहे हैं, और उसके बाद फिर इनके जो थोड़ा सा इनके भौं पे थोड़ा सा मिट्टी दे देते हैं। अब इनके जटा को बना रहे हैं कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। अब जटा बनाने के लिए हम लंबे लंबे बना लिए हैं, उसके बाद इस पे बैठा रहे हैं किस प्रकार से। आप लोग इतना आसान समझ रहे हैं बनाना, ये उतना ही बड़ी मुश्किल है। छोटा मूर्ति तो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, लेकिन ये बड़ा चेहरा बनाने के लिए काफ़ी टाइम भी लगता है हम लोगों को और बहुत ही ज़्यादा दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखिए और देख के उसके बाद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम लोगों को अच्छा लगे। आप देख सकते हैं फिर इसको फिनिशिंग कर रहे हैं किस तरह से, और कमची जो है कमची से मिट्टी को हम हटा रहे हैं। जब तक अच्छे तरह से मिट्टी हटा के और ब्रश नहीं मारेंगे तब तक ये सुंदर नहीं दिखेंगे। इसके फिनिशिंग करना ही सबसे बड़ा कलाकारी है। कितना भी सुंदर मूर्ति आप लोग बना ले और उसका फिनिशिंग जब तक आप लोग करेंगे नहीं तब तक ये सुंदर नहीं दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम फिनिशिंग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग हुआ है। और आप उसके बाद फिर देख सकते हैं इनके जो रुद्राक्ष का माला है वो जटे में बांध रहे हैं, अब इसे बीच में से गंगा निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे मैंने बनाया हूँ। अब इनके आँख को बना रहे हैं कुछ इस प्रकार से, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बना रहा हूँ आँख को। आप लोग देख सकते हैं शिव जी का जो आँख होते हैं वो बहुत ही अलग टाइप की आँख होते हैं, इनके छोटे से आँख होते हैं जो आधा बंद होते हैं और आधा खुला हुआ रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं दूसरी आँख भी बना रहे हैं हम कुछ इस प्रकार से। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए किस प्रकार से शिव जी बना रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनने वाले हैं ये। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप शिव जी के नाम पर एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इनके मुंह को बना रहे हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से हम इनके मुंह को बना रहे हैं। सो अब इनके कुछ फिनिशिंग आप लोगों से यही कहते हैं कि अगर आप लोग मिट्टी की मूर्ति बना रहे हैं तो बनाते जाइए और फिनिशिंग करते जाइए, तभी ये सुंदर बनेंगे, नहीं तो ये उतना भी अच्छे नहीं बनेंगे। अब इनके भावों को देखिए किस प्रकार से हम बनाए हैं भावों को। अब इनके ऊपर में जो त्रिनेत्र होता है वो त्रिनेत्र को बना रहे हैं कुछ इस प्रकार से। अगर आप लोगों को मिट्टी बनाने नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके मिट्टी बनाना सीख सकते हैं।
बहुत ही इजी तरीके से। तो अब देख सकते हैं अब इनके कान को बना रहे हैं किस प्रकार से। कान बनाना भी बहुत ही आसान है, केवल इनका ट्रिक होना चाहिए बनाने का। अब राक्षस को कुछ डिजाइन शेप दे रहे हैं, अब इनको नागराज को बना रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो अब बन गए हैं देवों के देव महादेव, हर हर महादेव। तो आप कैसा लग रहे हैं हर हर महादेव, आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।